ठीक है, यहाँ पर एक आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, रिटर्निंग अ बुलियन वैल्यू, मतलब एक फंक्शन जो है बुलियन वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है। बुलियन वैल्यू क्या होती है पहले इसको समझना है। बुलियन वैल्यू का मकसद है समझाया, एक फंक्शन ट्रू या फॉल्स भी रिटर्न कर सकता है। अब तक हम ये सीख रहे थे फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम बनाए थे उसमें वो कोई नंबर वैल्यू रिटर्न कर रहा था, कोई सम रिटर्न कर रहा था, एक दो किस्म के फंक्शन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा फंक्शन। तो कह रहा है फ्रीक्वेंटली देर इज़ अ नीड, फ्रीक्वेंटली देर इज़ अ नीड, तो देर इज़ अ नीड फॉर अ फंक्शन दैट टेस्ट एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू, मतलब ऐसा फंक्शन बनाए जो हमारे आर्ग्यूमेंट यानी कि जो उसके साथ वैल्यू पास हो रही है उसको चेक करे और उसके बिहाफ पे या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को हमें रिटर्न करे। अब ये कैसे करेगा, इंडिकेटिंग वेदर और नॉट अ कंडीशन एग्जिस्ट, यानी कि जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। सच एज फंक्शन वुड रिटर्न बूल वैल्यू, यानी कि बुलियन वेरिएबल बूल वैल्यूबल के अंदर ही वो रिटर्न कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट्स एन इंटीजर आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ़ द आर्ग्यूमेंट विद इन द रेंज ऑफ 1 to 100 और फॉल्स अदरवाइज, यानी कि कह रहा है कि अगर एक फंक्शन को कोई इंटीजर आर्ग्यूमेंट दें जो 1 से 100 के दरमियान हो तो वो तो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करे। तो इस फंक्शन को देखिए कैसे इसने डिक्लेयर किया, इसकी समझना है आपने। इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए किसने लिखा है, बूल इज़ वैलिड, ये फंक्शन का नाम है और ये फंक्शन को इसने टाइप किया है, इसकी टाइप है फंक्शन की कि ये फंक्शन बूल टाइप का है, मतलब या तो ये यस या नो वैल्यू को रिटर्न करेगा, या तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ये इसका फंक्शन का नाम है। और इंटीजर नंबर इसका आर्ग्यूमेंट है यानी कि जिसमें इनपुट लिया जाएगा। देखिए प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, उसने कहा है कि हम कोई नंबर का इनपुट लें, अगर नंबर 1 से 100 के दरमियान में हो तो वो फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करे और अगर ना हो तो फॉल्स रिटर्न करे। तो इस चीज़ की फंक्शन की डेफिनेशन है कुछ इस तरह से होगी, डिक्लेरेशन में सेमी कॉलन आएगा, डेफिनेशन में इस तरह से होगा, ठीक है ना। जो हम पहले हम इंटीजर लिख रहे थे तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा था, फिर अब हमने बूल लिखा है तो वो यस नो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस वैलिड फंक्शन का नाम है और ये इसका आर्ग्यूमेंट है। अब बूल फंक्शन की जो अंदर जो बाकायदा इसकी डेफिनेशन है जिसमें ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसमें एक बूल करके स्टेटस के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। डू यू नो एंड यू नो ऑलरेडी अबाउट कि बूल वेरिएबल जो होता है या तो यस या नो वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इफ़ की कंडीशन का इस्तेमाल किया गया, इफ़ नंबर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है, अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है, फॉर एग्जांपल किससे, नंबर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है 1 से और एंड ऑपरेटर लगाया, नंबर की वैल्यू लेस देन है 100 से, मतलब डबल चेक किया गया है कंडीशन को कि अगर उसकी वैल्यू नंबर से 1 से बड़ी हो और नंबर की वैल्यू 100 से छोटी हो या बराबर हो तो स्टेटस जो है वो ट्रू हो जाए, मतलब स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, एल्स स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें इफ़ की कंडीशन से स्टेटस की वैल्यू को चेंज किया गया है, अगर वो इनपुट लेकर आएगा ऊपर से 1 से लेके 100 के दरमियान में तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये फॉल्स फंक्शन हमारा कैसे रिटर्न करेगा, तो देखें यहाँ पे इसने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया है और इस वेरिएबल को रिटर्न किया है। अब चूंकि ये वेरिएबल का टाइप ही स्टेटस की जो टाइप बूल है तो या तो ये 0 ले जा सकता है या 1 ले जा सकता है, और चूंकि हमारा फंक्शन भी बूलियन टाइप का ही है, बूल टाइप का है, तो वो भी 0 या 1 ही रिटर्न करेगा अपने मेन प्रोग्राम को। तो देखिए इस तरह से आप यस नो के चेक अपने फंक्शन पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से कह रहा है इंटीजर वर्ल इज इक्वल टू 20 इफ़ इज़ इनवैलिड वैल्यू। अब मेन फंक्शन में इसने कैसे चेक किया है इसको कि यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल लिया है जिसको इसने 20 वैल्यू रखी है। अब ये फंक्शन चेक कर रहा है कि भाई इफ़ इज़ वैलिड, अगर ये फंक्शन ट्रू लाता है तो ये मैसेज दिखा दो, अदरवाइज़ ये मैसेज दिखा दो। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम इसने बहुत अच्छे तरीके से कोड किया है। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को भी इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है इस प्रोग्राम फंक्शन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू, तो कैसे ये काम कर रहा है ये फंक्शन को देखिएगा। पहले इसने कोड लिखा है तो हम इस कोड को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। तो जो इसके अंदर एरर्स वगैरह हैं और वो भी देख लेते हैं और इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो कंट्रोल सी करके हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने डेव सी प्लस प्लस का लॉन्च किया। तो ये डेव सी प्लस प्लस लॉन्च हो रहा है और यहाँ पे क्लिक करके हमने कंट्रोल एन दबाया, न्यू फाइल ली और यहाँ पर हमने इसको पहले पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो भी ये कोड हमारे कमेंट्स कोड हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी ये जो है यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं, लाइन नंबर्स को, ये हमारे काम के नहीं है। तो ये लाइन नंबर्स मैंने रिमूव कर दिए
ओके okay, अब हमारे सामने हमारा प्रोग्राम क्लियर है, अब समझ लेते हैं। देखिए ये जो ब्लू कमेंट लाइंस हैं ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है समझाने के लिए, ठीक है। तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम हमारी हेडर फाइल एट की, इंटीजर मेन ये हमारा जो है यहाँ पर हमने डायरेक्टली अपने मेन फंक्शन को यूज़ किया और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख के यहाँ पे शूट किया। अब ये देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की है, तो यहाँ पे बूल इज इवेंट करके इज इवन के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया और यहाँ पे सिर्फ इंट लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे इंट लिख रहे हैं इट मींस कि एक इंटीजर वेरिएबल ही आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप इंटीजर वॉल लिख रहे हैं तो भी बात एक ही है। पर इसने क्या किया, इसके बाद यहाँ पे बूल इज इवेंट करके यहाँ से इसने शुरू किया फंक्शन को, और फिर इसने यहाँ पे इसको जो आगे चले हैं तो इंटीजर वॉल करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर सी आउट करके, यानी कि ये सारा काम हमारा मेन फंक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसने प्रोटोटाइपिंग भी जो है ना फंक्शन की यहीं पर ही कर दी, मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ ऊपर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर वॉल करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सी आउट इंटर एंड इंटीजर आई विल टेल यू सी आउट इफ़ इट इज़ इवन और ऑड। तो भाई ये आपको बताएगा कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो बात एक ही है, मतलब ये मैसेज एक प्ले नज़र आएगा कि आप कोई भी वैल्यू डालेंगे वो इवन है या ऑड है। तो हमें तो पता है कि इवन और ऑड हम ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसी वैल्यू जो टू से डिवाइड होने पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो होती है इवन, और जो टू से डिवाइड पूरी तरह ना हो जिसके रिमाइंडर बच जाए तो वो होती है ऑड। तो यहाँ पे इनपुट लिया है इसने वॉल वेरिएबल के अंदर, जैसे ही वॉल वेरिएबल के अंदर इनपुट लेगा तो यहाँ पे इसने फंक्शन को इफ़ की कंडीशन के साथ कैसी चेक किया है, इफ़ इज़ इवन मतलब इज़ इवन फंक्शन ट्रू वैल्यू लाता है और यहाँ पे वो वैल्यू पास होगी। तो ट्रू वैल्यू कैसे लाएगा, वैल्यू वो लेके चला जाएगा कहाँ पे, इसकी डेफिनेशन के अंदर बूल इज़ इवेंट इंटीजर नंबर, यहाँ पे एक नंबर टाइप का आर्ग्यूमेंट है, यहाँ से वो वैल्यू जो आएगी इनपुट होके वो इसमें चली जाएगी और ये फंक्शन के अंदर एक स्टेटस बना हुआ है और यहाँ पर हमें इसका कोड करना है। अब बूल स्टेटस में अब हमें यहाँ पे तो कोड नहीं मिला इसका, तो यहाँ पे इसने इसका कोड नहीं किया, कॉपी नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोड हम ले लेते हैं या हम खुद कर लेते हैं। तो इसने इस कोड को देखिए कैसे चेक किया है, तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसके कोड को यहाँ पे लिखा और हमने कहा इफ़ नंबर परसन टू, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप कह रहे हैं अगर हम लिखते नंबर डिवाइडेड बाई टू तो हमें वो रिटर्न करता इसका आंसर, मतलब अगर नंबर के अंदर हमने 10 डाला था तो 10 डिवाइड होता 2 से और आंसर आता 5, लेकिन परसेंट साइन लगाने का मतलब है कि वो आंसर रिटर्न नहीं करेगा, वो इसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। मतलब इसको समझने का तरीका कुछ इस तरह हो सकता है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से तो होता क्या है, 2, 2, 5, 10, यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिली, एक मिला आंसर जिसको हम क्वेश्चन कह रहे होते हैं और एक मिला हमें रिमाइंडर। देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 तो हमें रिटर्न होगा ये, और अगर हम लिखते हैं 10% 2 तो हमें रिटर्न होगा ये, जो भी रिमाइंडर होगा। तो इस सूरत में जो हमने यहाँ पर किया उसमें हमें रिटर्न हुआ क्या, इफ़ नंबर नंबर में वैल्यू अगर 10 आई तो परसेंट टू में रिटर्न होगा 0, क्योंकि रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अगर 0 0 के बराबर हो जाएगा तो स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, स्टेटस ट्रू, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ आंसर आ जाएगा ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला कोड रन पड़ेगा कि वैल्यू जो है वो इज़ इवन है, ये वैल्यू क्या है जो आपने इनपुट किया है वो इवन है। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट में यहाँ पर 11 दे दिया और यहाँ पे गया 11 लेके अंदर, तो फंक्शन चेक करेगा इसको, यहाँ पे आया 11 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, उसका बचेगा 1, 1 बचेगा, तो स्टेटस की वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं हो सकेगी क्योंकि 1 के बाद ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स वाला कोड चलेगा, वहाँ पे स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, और रिटर्न कर देगा स्टेटस फॉल्स, किसको रिटर्न कर देगा, वो रिटर्न करेगा यहाँ पे फॉल्स। तो यहाँ पे जैसे ही फॉल्स लेकर आएगा तो कंडीशन यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर एल्स का कोड यूज़ हो जाएगा ये वाला जिसमें लिखा जाएगा इज़ ऑड, अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होगा वो नंबर 2 से डिवाइडेड में। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो इससे मुझसे कहा है कि इसको सेव कर ले, तो मैं इसको जाके अपने फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास हमारी हो गई तकरीबन ये 46, तो 46 क्लास और बूल फंक्शन इन सी, तो ये हमने प्लस, तो ये हमने लिख दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर आज आप सीख गए कि बूलियन फंक्शन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं यस नो वैल्यूज़ लेने के लिए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रहा हूँ 8, तो आंसर दे रहा है 8 इज़ इवन, और यहाँ से मैं डाल रहा हूँ सपोज टू बी दोबारा प्रोग्राम रन करके 13, तो यहाँ पे हमें आउटपुट दे रहा है कि प्रोसेस एक्सिट और 13 इज़ ऑड नंबर, ठीक है।
तो ऑड और इवन दोनों वैल्यूज़ को हमें ये शो कर रहा है। दोबारा करके देख लेते हैं, 10 वैल्यू डाल के देखते हैं इसके अंदर। प्रोग्राम को रन किया तो ये हमें यहाँ पर 10 पे कह रहा है इज़ इवन, और 11 को डालेंगे या 9077 को डालेंगे इनपुट में तो कह रहा है ऑड नंबर। तो देखिए इस तरह से भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे किस तरह से बुलियन वगैरह को यूज़ कर रहे हैं।